देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शन को खोलने को लेकर रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने रजरप्पा का दौरा किया। उनके साथ रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार व SDO कृति श्री सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने क्यू कॉम्प्लेक्स, मुख्य द्वार व सभी प्रमुख मार्गों का जायजा लिया। वहीं उपायुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों ने मंदिर न्यास समिति के लोगों के साथ एक विशेष बैठक कर मंदिर खोलने से पूर्व सभी सुविधाओं की जानकारियां ली। इस संबंध में रामगढ़ उपायुक्त ने कहा कि रजरप्पा मंदिर खोलने को लेकर बैठक हुई है, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खुलना है और जैसा आप लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में राज्य के अंदर के भी बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से लोग दर्शन कर सकें, उसी व्यवस्था के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, मंदिर के जो पुजारीगण हैं, पंडागण हैं वो, और स्थानीय प्रशासन के लोग क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे मंदिर का एंट्री रेगुलेट करना है, एग्जिट रेगुलेट करना है, इन चीजों पर विमर्श किया। आज हम लोग यहाँ वही उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी आने वाले श्रद्धालु बिना मास्क के पूरे रजरप्पा मंदिर प्रक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर सभी प्रमुख द्वारों में सुरक्षा बल तैनात होंगे। प्रोटोकॉल किसी भी आम पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए है, जैसे बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, ये स्पष्ट डायरेक्शन है। और ये हम लोग जो बैरियर पॉइंट्स लगे हैं, चाहे गोला साइड से, चित्रपुर साइड से, वहीं पर इंश्योर करेंगे कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप नहीं हैं या फिर लगा के आएँ। दूसरा कि जो लोग आते हैं उनके बीच में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसके लिए जो आवश्यक फोर्स और मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा। रजरप्पा से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। न्यूजलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है